इंद्रजीत कुमार, परिचंद कुमार, रोशन कुमार। हर परिसर हरा परिसर, जल जीवन हरियाली, ये दो कार्यक्रम हम लोगों का जो चल रहा है, इसी क्रम में आप लोगों के बीच हमारे जो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, आप सभी बच्चों के बीच आकर हम लोग आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपने घर जाकर एक एक पेड़ लगाना सुनिश्चित कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण से आप सभी अवगत हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, देख रहे हैं, और समय धूप और समय वर्षा, कभी सूखा कभी कुछ, इस सब का कारण यही है कि हम लोग जो पेड़ को काटते चले गए उसी के कारण यह सारी कठिनाइयां हो रही है। इसलिए हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग विद्यालय में, सरकारी जगह पर, अपने घर में, हर जगह कम से कम हर व्यक्ति यदि एक पेड़ लगा लेंगे तो यह समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा आप लोगों का। इसे सीधा वाला रखने आइए सर, आइए सर, चलिए पत्रकार जी, बीओ साहब सर इधर थोड़ा सा घूमिए जी सर। आज वृक्षारोपण हर जो है विद्यालय में हो रहा है। देखिए ऐसा है कि राज्य सरकार का कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली के तहत हर परिसर हरा परिसर एक अभियान, जिसकी शुरुआत जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 17 तारीख को हम लोग को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने परिसर में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाए। वृक्षारोपण कर देता हूँ, वृक्षारोपण किया है जी, इसलिए वृक्षारोपण हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि वृक्ष लगाने से जिंदगी बचती है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर जितना वृक्ष लगाएंगे उतना हम लोग का सेव लाइफ होगा। चलिए जो जितने जितने आदमी पकड़े हुए हैं पेड़ उसकी जिम्मेदारी है। फोटो में आओ ना, सब तो ही ले लो, सब बोलो जल्दी बोलो, भाग वहाँ भी तो आ जाएगा, तुम परेशानी हो जाएगी। एक खुला कम ये छुटके वाला दे दो बेटा, बोला ये ले नहीं तो हटो, इधर हटो ना, चलो सबका किधर से ले, इधर से ले लेगा ना, पूरा पास को जा देना ना, सब तवसी भाई इधर आओ। जैसा कि मालूम है डीओ साहब के आदेशानुसार आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। यहाँ पे 3 पौधे लगाए हैं और भी कुछ पौधे लगाए हैं। मैडम हमारी भूल आई है, हाँ
ले लिया गंगा पैर ले कुछ अच्छा हां सुन ले भाई तू सब ले भाई गाय को मेरे ये ऐसे ऐसे उठा दो ऐसे भाई पैर उठा रहा हाथ में